हेलो दोस्तों, ICS सेटअप बॉक्स के बारे में कई सारे सवाल होंगे हमारे मन में, या फिर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ कि इसमें HD चैनल चलने वाले हैं या फिर सिर्फ MPEG-4 के नाम पे ये बिकने वाला है, या फिर हम कोई और जो फ्री टू एयर सैटेलाइट यूज़ करते हैं क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फ्रिक्वेंसी हम इसमें डाल सकते हैं जिस तरह हम दूसरे सेटअप बॉक्स में करते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो कुछ इसकी बातें हैं मैं आपको आज पूरी बताने वाला हूँ, जिन लोगों को इसका भूत सवार है कि ICS सेटअप बॉक्स में क्या आने वाला है, क्या इसके अंदर HD चैनल चलने वाले हैं या फिर ये कब आने वाला है, या फिर जितने ही सारे क्वेश्चन होंगे आपको इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तो कुछ सवाल, सबसे पहले ये कि ये सेटअप बॉक्स कब मिलेगा और ये कहाँ मिलेगा। तो अभी दोस्तों इसको 3 से 4 महीने बाकी है आने के लिए, और ये हमारे को मार्केट में मिल जाएगा, बाज़ार में मिल जाएगा। और इस सेटअप बॉक्स में सिर्फ हम MPEG-4 के चैनल देख सकते हैं, हमें 720p या 1080p चैनल इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल कि इसमें कौन से चैनल दिखेंगे और ये कब हमें अवेलेबल होगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पे एक नज़र हम डाल देते हैं कि बॉक्स किस तरह से दिखाई देता है और इस बॉक्स में हमें क्या मिलने वाला है। तो ये रहा बॉक्स की पहली पिक्चर जो सामने से दिखाई दे रही है, जिसमें आपको पावर बटन, वॉल्यूम बटन और कुछ मैनुअल बटन आपको यहाँ दिखाई देंगे, साथ में 2 LED लाइट भी आपको मिल जाएंगी और एक रिमोट और ये सेंसर उसका। उसके बाद बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक हमारा एंटीना का जो केबल आएगा, एक वो AV केबल और एक आपको USB इसमें मिलने वाला है, और इसके अंदर एक DC अडेप्टर के लिए एक पोर्ट। तो ये काम करेगा दोस्तों, आपको 12 वाट का अडेप्टर, 18 वोल्ट और 15 एम्पेयर की बिजली लगेंगी इसे, और IR सेंसर इसके साथ में आएगा आपको जो रिमोट में काम करता है, और एक यूएसबी इसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड या फिर लाइव TV रिकॉर्ड के लिए आपको ये मदद में आने वाला है। तो इसके अंदर आपको एक फीचर मिलने वाला है जिससे आप लाइव प्रोग्राम या फिर आपका TV सीरियल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये इसमें एक यूनिक बात। तो हमने बॉक्स तो देख लिया, लेकिन अब हम रिमोट देखेंगे इसका कि रिमोट में हमें क्या नया दिखाई देता है। तो ये रहा इसका रिमोट, इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ये एकदम सिंपल रिमोट है। जैसा कि हम फ्री टू एयर सेटअप बॉक्स यूज़ करते हैं उसके रिमोट कुछ अलग होते हैं और इसका कुछ अलग है, आपको एकदम सिंपल मिलने वाला है और आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में। और अब बात करते हैं इसकी, ये मार्केट में कब अवेलेबल होगा और ये कितने रुपये में हमें मिलने वाला है। और उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके फुल पैकेज में हमें क्या दिखाई देता है। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलने वाली है, एक मेन बॉक्स, एक रिमोट और एक अडेप्टर। तो ये MPEG-4 सेटअप बॉक्स आपको लगभग 1000 से 1200 के बीच मिल जाएगा। और इसे कब खरीद सकते हैं, तो आप अभी इसे खरीद नहीं सकते क्योंकि ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, और भारत में ये हर शहर में मिलने वाला है जब ये लॉन्च हो जाएगा पूरी तरह से। और सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल ये कि पुराने सेटअप बॉक्स क्या बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों पुराने सेटअप बॉक्स बंद नहीं होंगे, जैसे MPEG-2 के जितने ही चैनल हम देखते हैं फ्री टू एयर बॉक्स में या फिर DD फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में, वो सारे ही चल जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन जो MPEG-4 TV चैनल ICS बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, जो अभी इनक्रिप्ट है, जिनकी संख्या है, जिनके नंबर है 32, यानी ऐसे 32 चैनल हैं जो ICS सेटअप बॉक्स में अभी टेस्टिंग शुरू है उसकी, वो हम सिर्फ ICS सेटअप बॉक्स में ही देख सकते हैं, दूसरे किसी में नहीं देख सकते। तो ये रहा उन लोगों के लिए जिनको डाउट था कि पुराने सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। तो इसका टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो सब चलते रहेंगे, लेकिन जो अभी एडिशनल चैनल जो ऐड हुए हैं वो नहीं चल पाएंगे, वो सिर्फ ICS बॉक्स में ही चल पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे जिन बंदों को ICS से लगाव हो गया होगा उनका अभी भूत उतरने वाला है। जिस तरह से हम फ्री टू एयर सेटअप बॉक्स यूज़ करते हैं, जैसे हम ABS
या फिर पाक सेट या फिर यूटल सेट या जो भी केवी बैंड के हम या फिर सी बैंड के हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं फ्री वाले, क्या हम इसमें लगा सकते हैं या फिर हम सेट कर सकते हैं? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी ही डाल नहीं सकते और हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें कि हम कोई और सैटेलाइट यूज़ कर सकें। ये सिर्फ़ जी सेट 93 सैटेलाइट चलने वाला है इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे सैटेलाइट को देख सकें। तो ये हमारे लिए एक जानना ज़रूरी था। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इसे ले लेंगे और साथ में जी सेट और ABS वगैरह हम इसमें चला लेंगे, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन ही नहीं है। और बात करते हैं दोस्तों इसमें HD चैनल की, क्या कभी हम इसमें HD चैनल देख पाएंगे या फिर इस समय या आने वाले समय में? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब सीधा ये है कि आप इसमें कभी भी HD चैनल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है दोस्तों वो सिर्फ जी सेट के जो आने वाले 32 चैनल हैं MPEG-4 उन्हीं के लिए किया हुआ है, और वो HD चैनल नहीं है, वो आपको रिसीव होंगे MPEG-4 में। तो जिन लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि हम इसमें HD चैनल देखेंगे, तो आप HD चैनल की बात को भूल जाइए, आप इसमें HD चैनल अभी या फिर आने वाले समय में आप कभी भी इसमें HD चैनल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये रिसीवर जो है HD चैनल रिसीव नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये कोशिश आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। MPEG-4 ICS के सेटअप बॉक्स के सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। और दोस्तों मिलते हैं आने वाले वीडियो में।